वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। हमारा यूनिट फोर चल रहा है और यूनिट फोर में आज हम जानने वाले हैं तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में। भारत की अगर बात करें तो भारत पर अरबों के बाद सबसे पहले तुर्कों ने आक्रमण किया था। तुर्की कौन थे? तुर्की वे लोग थे जो कि चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते थे और इन्हें एक बहुत ही बर्बर और असभ्य जाति के रूप में माना जाता है। इनका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना ही माना जाता है। 962 ईस्वी की बात करें तो इस समय अल्तगीर नाम का एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने कि गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जिसकी कि एक स्वतंत्र राजधानी थी। अल्तगीर सामानी, जिसे कि हम गजनी के नाम से भी जानते हैं, गजनी साम्राज्य का शासक अब्दुल मलिक का अल्तगीर दास था, गजनी साम्राज्य का दास था। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि जब सामान्य साम्राज्य का पतन होने लगा तो इसने क्या किया, मध्य एशिया में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और उसकी स्वतंत्र राजधानी, जिसे कि हम गजनी के नाम से जानते हैं, अपनी राजधानी गजनी में बना ली। इसके बाद टाइम आता है इनके दामाद सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन जो थे वो अल्तगीर के दामाद थे और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में जो हुआ था वो गजनी के शासक सुबुक्तगीन के द्वारा ही किया गया था। उसमें भारत पर जयपाल का शासन हुआ करता था जो कि हिंदू शाही राजवंश से संबंधित रखते थे। सुबुक्तगीन भी शुरू शुरू में दास ही था, लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि वो अल्तगीर का दामाद बन गया और उसकी मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन ने सत्ता परिवर्तन किया और अपने वंश की नींव डाली। महमूद गजनवी की अगर बात करें तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का ही सबसे बड़ा बेटा था और जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, जो कि 997 ईस्वी तक में हुई थी, उस समय वो शासक बना और उसने क्या किया कि 1000 से लेकर के 1027 तक सिर्फ भारत पर आक्रमण किया, वो भी 17 बार। हालांकि महमूद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगीन, वे भी बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। जो भारत पर जो भी आक्रमण की योजनाएं होती थी उनके टाइम में, तो उसमें उन्हें सफलता, अचूक सफलता मिली। बहुत कामयाब इंसान रहे वो। उन्होंने सबसे पहले तो पंजाब के हिंदू शाही वंश के जो शासक थे जयपाल, उसकी योजनाओं को विफल किया। जयपाल हिंदू शाही राजवंश का शासक था और उसकी जो सेनाएं थी वे गजनी के बहुत ही पास में थी, तो उनके मन में, जयपाल के मन में ये आया था कि जिस तरह से सुबुक्तगीन इतना महत्वाकांक्षी है, कहीं वो उनके राज्य को हथियार न ले, तो उन्हें रोकने के ख्याल से इन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ी सेना लेकर के गजनी पे आक्रमण किया था। लेकिन इन्हें विफलता हाथ लगी थी क्योंकि उस समय सुबुक्तगीन इतनी शक्तिशाली अवस्था में था कि उसने जयपाल को हरा दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा और किसी भी पक्ष की विजय नहीं हो सकी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बहुत भारी वर्षा और हिमपात, इन दोनों चीज़ों के लिए भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे, जो कि अत्यधिक मात्रा में होने लगा और इससे क्या हुआ कि सैनिकों का की परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्हें, उनके शासक को यानी कि जयपाल को, बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी सुबुक्तगीन के साथ में। ये जो संधि थी इसके अनुसार बताया जाता है कि जयपाल ने सुबुक्तगीन को 50 हाथी और अपने कुछ प्रदेश देने का वचन दिया था। लेकिन ये सब करने के बाद जब जयपाल वापस लौटा अपनी राजधानी, तो उसे इतनी इस बात का बहुत ही अपमान महसूस हुआ और उसने क्या किया कि इस संधि को अस्वीकार कर दिया। जब सुबुक्तगीन को अपने राज्य में पता चला कि जयपाल ने उस संधि की अवहेलना की है, तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने भी जयपाल का जो शासन वक्त था उसके ऊपर आक्रमण करके बहुत ज्यादा लूटपाट की। इसके बाद जयपाल ने क्या किया, सन 991 ईस्वी में अपने कुछ राजाओं का एक समूह बनाया और समूह बना करके फिर से गजनी के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन इस युद्ध में भी सुबुक्तगीन की विजय हुई, जितने भी भारतीय शासक थे उनकी हार हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, सुबुक्तगीन ने पेशावर के भूभाग तक अपना अधिकार कायम कर लिया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, वो चले जाते हैं। उसके बाद उनका बेटा आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बेटा सबसे बड़ा बेटा था सुबुक्तगीन का और उसने 998 ईस्वी में गजनी का शासन पद संभाला था। जब वो शासक बन रहा था तब उसकी उम्र सिर्फ 27 वर्ष थी और इस वर्ष इतने कम उम्र में भी उसकी महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी बड़ी बड़ी थी।
कहा जाता है कि बगदाद के जो खलीफा थे यमुनुद्दौला और अमीन उल मिल्ला, इन दोनों ने महमूद को शासक बनाया था। और शासक बनाते समय महमूद ने इनके सामने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह प्रत्येक वर्ष भारत पर एक आक्रमण किया करेगा। हालांकि महमूद का जो भी आक्रमण है उसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं। सबसे पहले अगर हबीब की बात करें तो हबीब ने बताया है कि हबीब ने बताया है कि महमूद पूरी तरह से सांसारिक व्यक्ति था, और उनका कहना इस बारे में यह है कि वह धर्मांध नहीं था, बल्कि मुस्लिम उलेमा वर्ग के जो राजा थे उनके आज्ञाओं को मानने तक के लिए वो तैयार नहीं था। यह साबित हो जाता है उसने जो भी काम किए, जो भी बर्बरतापूर्ण काम किए, क्योंकि इस्लाम में बर्बरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। हबीब कहते थे माने तो उन्होंने कहा है कि महमूद ने जो भी काम किए उससे इस्लाम को संसार की दृष्टि में गिराया ही है, ना कि इस्लाम का प्रचार किया। दूसरी तरफ अगर जाफर की बात करें तो जाफर ने बताया है कि महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि सिर्फ धन लूटना था, इसलिए उसने सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही आक्रमण किया। क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि धन संपदा, जितनी भी राज्य की धन संपदा है वो मंदिरों में ही इकट्ठा करके रखा जाता था। ऐसे देखने को भी मिलता है कि महमूद का जो उद्देश्य था वो भारत की संपत्ति को लूटना था। ये सारे इतिहासकारों में समान मत है। महमूद धन का लालची था और उसने क्या किया था, उसे गजनी के ऐश्वर्य और राज्य विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी, और उसकी पूर्ति के लिए उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत सबसे सुव्यवस्थित राष्ट्र था। वो इसलिए था क्योंकि आंतरिक तौर पे भारत की स्थिति देखे तो बहुत ही कमजोर थी। भारत के जो राज्य हुआ करते थे वे आपस में ही फूटे हुए थे, उनमें एकता की अभाव था। इसके अलावा यश की लालसा भी थी महमूद के पास, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी शासक था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो इन सारे कारणों को देखा जा सकता है। मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में उसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने की दृष्टि से भी भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए सैन्य सैन्य व्यवस्था की जरूरत होती है। सैन्य व्यवस्था में क्या चाहिए, ऊंट, हाथी, धन संपदा, अतुल धन संपदा, उसकी पूर्ति तो उसे भारत से हो जाती, इसीलिए इस धन की चाहत में भी उसने बार बार आक्रमण किया। हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर महमूद के आक्रमणों की संख्या 17 बताई गई है। महमूद का जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था, भारतीय आक्रमण, वह पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर सन 1001 ईस्वी में हुआ था। पेशावर का वो जगह था जहां पर कि इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जयपाल की हार हुई थी। उसने मोहम्मद गोरी को भारी हर्जाना दिया और 50 हाथी देने का वचन किया। महमूद उसकी राजधानी उद भांडपुर को लूटने के बाद अतुल संपत्ति लेकर गजनी वापस लौट गया था। जयपाल इस पराभव को सहन नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। यानी कि जयपाल, वही वही जयपाल जो कि हिंदू शाही राजवंश से समृद्ध रखता है, तो उसने भी पराजय का ही मुंह देखा। इसके बाद बात करें तो पश्चिमी पंजाब और लाहौर पर महमूद का अधिकार हो जाता है। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल आता है और फिर त्रिलोचनपाल। हालांकि आनंदपाल ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी अपने आप को शक्तिशाली बनाने की और गजनी से संघर्ष करने की, लेकिन उनके शासन काल में कुछ भी नहीं हुआ। आनंदपाल और महमूद की सेनाओं के बीच 2 बार युद्ध हुआ और दोनों ही बार महमूद गजनवी जीत गया। सबसे पहले तो 1009 ईस्वी के लगभग में महमूद ने आनंदपाल की सेनाओं को वैहंद के मैदान में पराजित किया था। उस पराजय के बाद आनंदपाल को नगरकोट के दुर्ग में जाकर शरण भी लेनी पड़ी थी। महमूद गजनवी उसका पीछा करते करते दुर्ग तक आ गया और दुर्ग की घेराबंदी कर दी थी। इस समय दुर्ग के अंदर भी 3 दिनों तक लगातार भयंकर युद्ध जारी रहा था, और लास्टली क्या हुआ, नगरकोट तक समस्त प्रदेश महमूद के अधिकार में आ गया। यानी कि यहाँ भी महमूद की ही विजय होती है। अन्य इतिहासकार उतबी के विवरण की अगर बात करें तो उनका मानना है कि नगरकोट की लूट में महमूद को इतना धन मिला कि जितने भी ऊंट उसे मिले थे, लूट के दौरान ऊंट भी मिले थे और लूट के दौरान धन भी मिले थे, तो उन सारे धनों को उसने उन सभी ऊंटों पर लाद दिया और फिर भी बहुत सारे धन बच गए थे। तो इसका उसने क्या किया, अपने अधिकारियों के बीच बांट दिया गया। इसमें स्वर्ण सिक्के, सोना चांदी, बहुमूल्य वस्तुएं, मोती और सुंदर वस्त्र आदि थे।
अधिकारियों के बीच बांटने का एक अलग ही मानसिकता थी उसकी। उसका ये कहना था कि जितने भी धन संपदा मिले हैं वापस, जितनी गजनी जाया जा सकता था उसने भेज दिया, लेकिन जो बाकी बच गए हैं अगर उन्हें अपने सैनिकों में बांट दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि सैनिकों का प्रोत्साहन बढ़ेगा और अगला जो युद्ध होगा उसमें उनकी जो भूमिका रहेगी वो बहुत अहम रहेगी। तो किसी भी युद्ध को जीतना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यह दिखाता है कि महमूद गजनवी युद्ध दृष्टि से कितनी और दूरदर्शिता की दृष्टि रखता था। इसके अलावा आनंदपाल ने नमक की पहाड़ियों के कोने में स्थित नंदन को अपनी राजधानी बनाया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका बेटा आता है त्रिलोचनपाल। त्रिलोचनपाल ने क्या किया था कि महमूद के खिलाफ भारतीय राजाओं का एक समूह बनाया था, लेकिन 1018 ईस्वी में महमूद की इसके साथ युद्ध होता है और फिर महमूद ही जीत जाता है, यानी कि त्रिलोचनपाल की कोई भूमिका नहीं रह सकती है। 1021 ईस्वी में त्रिलोचनपाल की मृत्यु भी हो जाती है और इसके बाद शाहिया वंश का राज्य महमूद के कब्जे में चला जाता है। शाहिया वंश से तात्पर्य यहाँ हिंदू शाही राजवंश से है। महमूद के आक्रमण का दूसरा शिकार मुल्तान का राज्य हुआ। यहाँ का राजा फतेह दाऊद शिया मतावलंबी था, इस कारण सुन्नी महमूद उसे चीरता था। यहाँ पर ईसाई धर्म में अगर देखें तो ईसाई धर्म की जो एकता है, एकेश्वरवाद की जो धारणा है, कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ईसाई ने इस्लाम की जो एकेश्वरवाद की नीति है वो दुनिया के अन्य किसी भी धर्मों में देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर यहाँ महमूद गजनवी की देखें तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ देखने को मिलता है कि दाऊद जो कि सिया मतावलंबी थे और महमूद जो कि सुन्नी थे, आपसी प्रतिद्वंद्वता यहाँ भी देखने को मिलती है। 1006 ईस्वी में उसने मुल्तान पे आक्रमण करके दाऊद को पराजित किया था और अपनी ओर से वहां सुखपाल को राजा बना दिया गया था। सुखपाल जयपाल का वंशज था, जयपाल की जो पुत्री थी उसका पुत्र, यानी कि जयपाल का नाती था सुखपाल, जिसे कि महमूद ने वहां का राजा बना दिया। और जब महमूद वापस चला गया तो सुखपाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। हालांकि जब तक महमूद था तो उसने महमूद के रहते भर में इस्लाम धर्म को भी स्वीकार कर लिया था और उसका सामंत बनना भी, सामंत अर्थ होता है कि उसका प्रतिनिधि प्रतिनिधि के रूप में शासक करना भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही महमूद वापस जाता है तो सुखपाल ने क्या किया, इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया और विद्रोह कर दिया। इसके बाद महमूद उसे सबक सिखाने के ख्याल से 1008 ईस्वी में फिर से मुल्तान पर आक्रमण करता है और उसे बंदी बना लेता है। तो फिर से मुल्तान के ऊपर महमूद का ही शासक हो जाता है। महमूद ने भटिंडा के राजा विजय राज पर 1005 ईस्वी में भी आक्रमण किया था। भटिंडा में एक सुदृढ़ दुर्ग था जो पश्चिमोत्तर भारत के गंगा के उपजाऊ घाटी तक पहुंचने के मार्ग में पड़ता था। महमूद ने उसी दुर्ग पर घेरा डाला। विजयराज ने बड़ी वीरता पूर्वक दुर्ग की रक्षा की लेकिन असफल रहा और लास्ट में उसे भाग जाना पड़ा। महमूद ने उस पर अधिकार कर लिया और नगर के निवासियों की या तो हत्या कर दी या फिर उन्हें इस्लाम धर्म मानने को विवश कर दिया। यहाँ से भी उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके बाद 1009 ईस्वी में महमूद ने अलवर के नारायणपुर पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था क्योंकि यह बीचों बीच पड़ता था। 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्र स्वामी के मंदिर को तोड़ने के लिए उसने गजनी से प्रस्थान किया था। यानी कि 1009 के बाद 1014 ईस्वी का चर्चा देखने को मिलता है कि 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को तोड़ने के लिए गजनी से प्रस्थान किया था, यानी कि वहां से चला था। महमूद ने मनमानी ढंग से नगर की लूटपाट की और चक्र स्वामी की मूर्ति को गजनी भेज दिया, तोड़ के गजनी भेज दिया। और उसके बाद उसने गंगा यमुना के जो दोआब का क्षेत्र था उस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया और इसी उद्देश्य से उसने 1018 ईस्वी में मथुरा नगर पर भी धावा बोला था। यहाँ अनेक भव्य और मंदिर थे। मथुरा में अनेक भव्य और मंदिर थे। महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया और वहां लूट में अतुल धन संपदा प्राप्त की। यहां से उसने कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। प्रतिहार शासक राज्यपाल, उसमें कन्नौज पर शासक वर्ग था राज्यपाल का। तो
महमूद ने बड़ी आसानी से नगर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि वहां का राज्यपाल तो भाग ही गया, सेना भाग ही गया। उसकी सेना नगर में भारी लूटपाट की, कत्लेआम किया। यहां से भी उसे बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होती है। मथुरा और कन्नौज से अतुल संपत्ति को लेकर वह गजनी लौट गया। कन्नौज के जो नरेश थे राज्यपाल के व्यवहार ने हिंदू राजाओं को क्रुद्ध कर दिया, और उन्होंने क्या किया, चंदेल नरेश विद्याधर की अध्यक्षता में एक संघ बनाया और राज्यपाल को उसके शासन क्षेत्र से निकाल बाहर किया, यानी कि राज्यपाल की हत्या कर दी गई, उसके पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसके बाद सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम इस संघ ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी, फिर महमूद के विरुद्ध शक्ति जुटाने में लग गया। इस संघ को भंग करने के उद्देश्य से 1019 ईस्वी के अंत में महमूद ने पुनः गजनी से भारत को प्रस्थान किया। चंदेल नरेश की बात करें तो चंदेल नरेश एक बड़ी शक्तिशाली सेना लेकर कालिंजर के पास उसका सामना करने को प्रस्तुत हो गया। सबसे पहले अगर चंदेल शासक विद्याधर की बात करें तो विद्याधर के बारे में कहा जाता है कि विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने की गजनी का, महमूद गजनवी का अकेले विरोध किया था। इसने गजनी का सामना करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार की थी और उसके सामने डटा तो रहा था, लेकिन एक रात क्या हुआ कि रात को सारी सेना सही थी कहीं गायब हो गया। सुबह जब गजनी जागता है, अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने जो सारा मैदान है वो पूरा पूरा साफ है। यह देखकर के वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसकी विद्याधर की सेना देख करके वो खुद ही भागने की सोच रहा था। इसके बाद महमूद ने नगर को खूब लूटा, भारी भरकम सोना चांदी जवाहरात लेकर के स्वदेश लौट गया। इस प्रकार जिस कायरता के लिए विद्याधर ने पूर्व में प्रतिहार नरेश राज्यपाल को दंडित किया था, उसी का प्रदर्शन उसने स्वयं किया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो संघ बनाया गया था, जिस संघ ने कि राज्यपाल का विनाश किया था, उसी संघ के जो नेतृत्व करने वाले विद्याधर थे, जिन्होंने कि अकेले ही गजनवी का सामना किया था, बाद के समय में देखा जाए तो उन्होंने खुद कायरतापूर्ण व्यवहार किया। इसके बाद 1022 ईस्वी में 1022 ईस्वी में चंदेलों की शक्ति को पूरी तरह से कुचलने के उद्देश्य से महमूद ने पुनः कलिंजर पर आक्रमण किया था। उसने कलिंजर के जो दुर्ग था उसके ऊपर घेरा भी डाला। दीर्घकालीन घेरे के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने चंदेल नरेश से संधि कर ली। कलिंजर का जो दुर्ग था, कलिंजर का दुर्ग उस समय इतनी सुदृढ़ अवस्था में था, इस तरह से बनाया गया था कि उसे भेदना लगभग लगभग नामुमकिन था, उसे आज तक कोई भेद नहीं पाया था। तो उसके ऊपर अपना शासन कायम करना महमूद गजनवी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती, लेकिन उसका भी शासन वहां हो नहीं पाया। लास्टली उसे चंदेल नरेश से संधि करनी पड़ी, सुलह करनी पड़ी। सुलह में उसने 300 हाथी लिए। चंदेल नरेश ने महमूद को 300 हाथी उपहार में दिए और उसे ही लेकर के वह गजनी लौट गया। गजनी अगर तत्कालीन समय के लिए देखें तो गजनी में हाथियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि हाथी हर जगह जाने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे, तो हाथियों के मिलने से बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में एक कविता लिखकर भेजी। इसे सुनकर महमूद इतना खुश हो गया कि उसने विद्याधर को 15 किलो का शासन सौंप दिया। महमूद गजनवी का सर्वप्रथम आक्रमण 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर था। ये सबसे फेमस आक्रमण था, सोमनाथ का मंदिर। उसे कहा जाता है कि उसे इतना ज़्यादा लूटा गया कि उसके बाद पूरे गजनी में स्वर्ण मुद्राएं बांटी गई थी। यह जो मंदिर है वो काठियावाड़ में स्थित है और पूरे भारत में अपनी पवित्रता, गौरव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ हिंदुओं में यह विश्वास था कि महमूद उत्तर भारत के बहुत संख्यक मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने में इस कारण सफल रहा कि भगवान सोमेश्वर उनसे अप्रसन्न थे। महमूद को जब यह पता चला तो उसने इस मंदिर को नष्ट करने और मूर्ति को तोड़ने का निश्चय किया। वह मुल्तान से 30,000 अश्वारोहियों और अन्य सैनिकों के साथ सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आया। रेगिस्तान रास्ते में क्या हुआ, रेगिस्तानी मार्ग में अत्यंत असावधानी बरतते हुए 1025 ईस्वी में वह अनहिलवार पहुंच गया और चालुक्य शासक भीम प्रथम ने अपने सहायकों के साथ राजधानी छोड़कर भाग गया। भीम प्रथम वो शासक है जो कि सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण हो रहा था तो उसका विश्वास, उसकी धार्मिक आस्था इस मंदिर से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी कि उसने सोचा कि इस मंदिर को किसी भी तरीके की अतिरिक्त
अतिरिक्त फोर्स, अतिरिक्त सेना की जरूरत नहीं है, बल्कि मंदिर इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। महमूद उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन बाद में देखने को क्या मिलता है, महमूद ने जब इस पे आक्रमण किया तो खूब लूटपाट की और बहुत सारा सोना लेकर के गया। इसी उपलक्ष्य में उसने अपनी राजधानी छोड़ दिया था, लेकिन बाद के समय में वापस अपनी राजधानी भी आ गया था। यहाँ के स्थानीय सेना नायक ने भागकर समुद्र में एक नाव पर शरण ली थी, तथा प्रतिरोध मुख्यतः ब्राह्मणों और पुजारियों के द्वारा ही किया गया था। ब्राह्मणों और पुजारियों ने क्या कहा, महमूद को कहा कि अगर आपने इस पवित्र मंदिर के अंदर कदम भी रखा तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास था ब्राह्मणों का अपने मंदिर के प्रति, अपने उनकी इतनी दृढ़ आस्था थी कि उन्होंने महमूद को कहा। कुछ पल के लिए महमूद घबरा भी गया था, लेकिन उसने क्या किया, जब मंदिर के पीछे की एक दीवार को ढाहा तो अपने आप शिवलिंग, शिवलिंग जो हवा में किसी चुंबकीय तत्व के कारण खड़ा था बगैर किसी सहारे के, वो अचानक से गिर गया। तो उसके बाद सभी को पता चला कि इस मंदिर में सिर्फ आस्थाएं ही थी, बहुत ज्यादा वो धार्मिक, जो धार्मिक वरदान होता है वैसे वाली बात नहीं थी। और फिर बाद में उसी ब्राह्मण पुरोहित और मंदिर के अन्य कर्मियों ने मंदिर की पूरी सोना चांदी जवाहरात को महमूद के हवाले कर दिया। उस मंदिर के 50,000 पुजारियों और ब्राह्मणों का वध किया गया था। इसमें भगवान सोमनाथ की जो मंदिर थे, जिसकी जिसको कि काफी श्रद्धा से के साथ वहां पर देखा जाता था, उस मंदिर के मूर्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और उसे गजनी, मक्का और मदीना की मस्जिद में भेज दिया गया, ताकि वहां की जो सीढ़ियां थी उसके ऊपर उसे रखा जा सके। इसमें महमूद को बहुत अधिक हीरे जेवरात और स्वर्ण राशि प्राप्त हुई। यह धनराशि लगभग 20 लाख दिनार की थी, और इन सबको लेकर वह गजनी लौट गया। जब सोमनाथ के मंदिर को लौट करके वह जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया था, काफी ज्यादा परेशान किया था, खखर भी कहते हैं इन्हें। लेकिन महमूद सकुशल गजनी पहुंच गया। बाद के समय में जब उसने अपनी सारी धन संपदा अपने जगह पर रख दी, तो जाटों से बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में फिर से सिंध पर आक्रमण किया। वे पराजित भी हो गए, उसके नगर जला दिए गए, बहुतों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह महमूद का अंतिम भारतीय आक्रमण था। उसके बाद तो 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु ही हो जाती है। कुल रूप से अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी बहुत ही महान विजेता था, उच्च कोटि का सेना नायक था। उसने जितनी भी युद्ध किए, जितने भी युद्ध किए, उन सब में लगभग लगभग सब में उनको उन्हें सफलता ही मिलती है। इसके बाद महमूद के अगर दरबारियों, दरबारी कवियों के बारे में बात करें, तो उनके दरबार में अल बरूनी जो कि जिन्होंने की तहकीके हिंद की रचना की थी, वे रहते थे। फिरदौसी, जो कि शाहनामा जिन्होंने लिखा है। कुतुबी, कुतुबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, और इसके अलावा दो तीन और विद्वान भी थे उसके दरबार में, जैसे कि वैहाकी, खोरासनी और सूरी। इस तरह के विद्वान उसके दरबार में भी देखने को मिलते थे। इससे पता चलता है कि उन्हें कितना, महमूद गजनवी जिसे कि एक सिर्फ आक्रमणकर्ता के रूप में जाना जाता है, साहित्य के प्रति भी उसकी काफ़ी ज़्यादा निष्ठा थी, तभी तो उसने इतने सारे विद्वानों को प्रश्रय दिया था। इसके अलावा महमूद गजनवी की बात करें तो उसके बारे में बताया जाता है कि उसने फिरदौसी से वादा किया था कि जब वह शाहनामा लिख लेगा तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा देगा। लेकिन जब किताब पूरी हो गई तो महमूद गजनवी पैसे देने से मुकर गया था, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रामाणिकता नहीं है। मोहम्मद गोरी के तो बाद में आते हैं। महमूद गजनवी को पूरी तरह से भारत के भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो महमूद गजनवी सिर्फ एक आक्रमणकर्ता के रूप में ही जाना जाता है, और उसका उद्देश्य भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करना नहीं था, बल्कि वह तो मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। महमूद हबीब की बात करें तो महमूद हबीब के अनुसार वह धर्मांध नहीं था, और भारत पर जो उसकी जितने भी आक्रमण हुए उसने इस्लाम के प्रचार से प्रेरित होकर के नहीं किया था, सिर्फ धन प्राप्ति की लालसा को पूरी करने के लिए किया था, और इसी कारण से उसने बड़े बड़े आक्रमण किए थे। हबीब के अनुसार उन्होंने बताया है कि इस्लामी कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, सही इस्लाम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो कि विध्वंसकारी कारनामों को प्रश्रय दे सके। अतः महमूद ने
मिलाकर अगर महमूद गजनवी की बात करें तो मध्य एशिया के महान शासकों में उसकी गिनती की जाती है, और यह गिनती उसके चरित्र बल से नहीं बल्कि उसकी योग्यता के कारण उसने खुद ही प्राप्त किया था। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो, भारत के मामले में, भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो महमूद का स्थान एक धर्मांध और बर्बर विदेशी लुटेरे के लिए ही लिया जाता है। महमूद गजनवी गजनी का सुल्तान था, ना कि भारत का सुल्तान था। उसने क्या किया था, भारत के कुछ प्रदेशों पर बस अपना अधिकार जमाया था, जैसे कि पंजाब, सिंध, मुल्तान, जो कि बाद में उसके राज्य में शामिल किए गए थे। तो इस तरह से देखें तो महमूद गजनवी भारतीय इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भले ही वो आक्रांता के रूप में ही क्यों ना रखे। तो ये था आज का तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी। इसके बाद देखेंगे मोहम्मद गौरी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।